भारत समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हुकूमत 2019। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा मतदान होंगे और 7 चरणों में यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होंगे। रण का आगाज पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों के साथ होगा, जो देश की 2019 की हुकूमत तय करेगा। देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 के दंगल में उतरने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी की अपनी अपनी रणनीतियां अपने आखिरी दौर में हैं और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लगभग सभी विरोधी दल एक ही रथ पर सवार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब देश में एक सर्वे ने देश का मूड भांपने की कोशिश की। इस सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार 2019 में फिर से परचम तो लहराएगी, लेकिन इस बार कमल खिलना 2014 जितना आसान नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रियंका गांधी की यूपी की राजनीति में एंट्री से कांग्रेस की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस की भी लोकप्रियता बढ़ी है। सपा बसपा आरएलडी गठबंधन और प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद यूपी में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सर्वे के मुताबिक 543 लोकसभा सीट पर अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 276, यूपीओ को 160 और अन्य को 90 सीटों के आसपास मिलने का अनुमान है। अगर 2014 से इसकी तुलना करें तो एनडीए को करीब 60 सीटों का नुकसान होता भी दिख रहा है, तो वहीं यूपीए इस बार बड़े फायदे में दिख रही है और आज चुनाव की सूरत में यूपीओ को 100 सीटें अधिक मिल सकती हैं। इसके साथ ही अन्य दलों को 60 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। सर्वे में वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस बार एनडीए को 37%, यूपीओ को 31% और अन्य दलों को 32% वोट मिलने के अनुमान है, और ये अन्य दल अगर यूपीए में शामिल हो जाएं तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा। और हाल ही में ममता की महारैली में जिस तरह सारे राजनीतिक दिग्गज एक साथ आ गए, सारे दल एक मंच पर खड़े हो गए और एक साथ हुंकार भरी गई और महागठबंधन का ऐलान किया गया, उससे आशंका जाहिर की जा सकती है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बीजेपी को पहले से कम वोट मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी गठबंधन को 2014 में 73 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, सपा बसपा गठबंधन को 5 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें आई थीं, तो वहीं इस सर्वे में साफ है कि 2019 में बीजेपी गठबंधन एक बड़े नुकसान के साथ 45 सीटें हासिल करेगी और कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं और सपा बसपा गठबंधन को 25 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अन्य के खाते में 10 सीटें आएंगी। तो वहीं बात राजस्थान की करें तो जहां 2014 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में एक भी सीटें नहीं आई थी, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और कांग्रेस 12 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है और कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। 2014 में बीजेपी को जहां 27 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, तो वहीं 2019 में बीजेपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 14 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड फिर से दोहरा सकती है। 2014 की तरह 2019 में भी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल दर्ज कर सकती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। 2014 में बीजेपी ने जहां 3 सीटें, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और पीडीपी को 3 सीटें मिली थी, तो वहीं 2019 में बीजेपी को 3 सीटें फिर से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें आ सकती है, पीडीपी के खाते में भी 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है, इसके खाते में भी 1 सीटें आएंगी। लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर किए गए इस सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई भी दिख रही है। 2014 में बीजेपी के खाते में जहां 23 सीटें आई थी, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी, शिवसेना के खाते में 18 सीटें आई थी, एनसीपी को 4 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 1 सीटें आई थी।
तो इस सर्वे में ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी के खाते में 26 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, शिवसेना को 8 सीटों का नुकसान हो सकता है और उसे 10 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो एनसीपी को 1 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है। एनसीपी के साथ साथ अन्य पार्टियों को भी 1 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है। इस सर्वे के लिहाज से बिहार में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2014 में बीजेपी के खाते में जहां 22 सीटें आई थी, जेडीयू को 2 सीटें मिली थी, आरजेडी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और अन्य के खाते में 10 सीटें आई थी, तो 2019 में बीजेपी को 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जेडीयू के खाते में 9 सीटें आ सकती हैं, आरजेडी के खाते में 10 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हो सकता है और अन्य दलों के खाते में भी 5 सीटें आ सकती हैं। इस सर्वे में झारखंड में भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2014 में बीजेपी ने जहां 13 सीटें हासिल की थी और जेएमएम ने 1 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस का यहां खाता तक न खुल सका था, तो वहीं 2019 में बीजेपी को नुकसान के साथ 8 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जेएमएम के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ दिखता है। तो इसके साथ ही बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में बीजेपी अपना पुराना करिश्मा फिर से दोहरा सकती है। 2014 की तरह 2019 में भी सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जहां 2014 में 9 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी, तो वहीं 2019 में बीजेपी को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त के साथ 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हरियाणा में बीजेपी ने जहां 2014 में 60 सीटें हासिल की थी, तो वहीं 2019 में 8 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस के खाते में भी 2014 की तरह 2019 में भी 1 सीट आने की उम्मीद है, तो वहीं INLD को 1 सीटों का नुकसान हो सकता है। देश का मूड भापने के लिए किए गए इस सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी को 1 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जहां 2014 में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2019 में बीजेपी के खाते से 1 सीट जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को 2019 में नुकसान हो सकता है। 2014 में बीजेपी ने जहां सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2019 में बीजेपी को 2 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है और कांग्रेस का खाता यहां खुल सकता है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आने की उम्मीद है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और ममता बनर्जी की TMC को एक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2014 में बीजेपी ने जहां यहां 2 सीटें हासिल की थी, तो वहीं उसे 2019 में 10 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं TMC को भारी नुकसान के साथ 34 सीटों से घटकर 25 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। CPM की सीटें भी यहां बढ़ती हुई दिख रही हैं। 2014 में जहां CPM को 2 सीटें मिली थी, तो वहीं 2019 में इन्हें 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को भी यहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2014 में कांग्रेस को जहां 4 सीटें मिली थी, तो वहीं 2019 के आम चुनाव में 2 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस को 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। तो वहीं उड़ीसा में NDA को 5 सीटें और UPO को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही अन्य के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत की 132 सीटों में से, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल है, वहां से NDA के खाते में यदि आज चुनाव होते हैं तो 19 सीटें, UPO को 45 सीटें, TDP को 8 सीटें, TRS को 13 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। साथ ही पूर्वी भारत, जिनमें ओडिशा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की कुल 87 सीटें हैं, वहां NDA को अच्छी खासी सफलता मिलती दिख रही है। इस सर्वे में NDA को 34 सीटें, UPO को 4 सीटें और TMC को 27 सीटें मिलती हुई भी दिख रही हैं। सर्वे में सीटों के इस गणित से साफ जाहिर है कि इस बार बीजेपी के लिए अपने दम पर सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल है और अगर बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो इस बार बीजेपी के लिए गठबंधन को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। 2019 की सियासी जंग का शंखनाद हो चुका है। पहले फेज में यूपी के 8 सीटों पर चुनाव होना है। यूपी में सियासी जंग का आगाज पश्चिमी यूपी से होगा और उसका समापन पूर्वी में होगा। यूपी में पहले फेज की वोटिंग कई मायनों में दिल्ली की सियासत का फैसला करेगी। पश्चिम में मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन चुनाव को ध्रुवीकरण और जातीय गठजोड़ का मोड़ देने की कोशिशों ने समीकरणों को उलझा दिया है। चुनाव आयोग ने आखिरकार 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा।
और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को। 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और ये तय हो जाएगा कि देश में अगली सरकार किस दल की बनने वाली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में कई चरणों में होने वाला चुनाव बहुत अधिक मायने रखता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, जो पश्चिमी यूपी से शुरू होकर पूर्वी यूपी में खत्म होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा से सटी सीटों में सबसे पहले वोट डाले जाएंगे। वहीं बिहार की सीमा से लगी सीटों पर मई के मध्य में अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। मोदी लहर के रालोद का मजबूत किला बागपत भी ढह गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज भी पश्चिमी यूपी की 8 सीटों से होगा, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं, जो 2019 की तस्वीर और दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाले प्रधानमंत्री की तकदीर तय करेंगी। यूपी में पहले चरण की वोटिंग कई मायनों में दिल्ली की सियासत का फैसला करेगी। पश्चिम में मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन चुनाव को ध्रुवीकरण और जातीय गठजोड़ का मोड़ देने की कोशिशों ने समीकरणों को उलझा दिया है। यूपी की राजनीति देश के सिंहासन पर बैठने वाले की किस्मत तय करती है, लेकिन पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी गन्ना बेल्ट की राजनीति का अलग ही मिजाज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी, कश्यप, गुर्जर, जाट, कोरी, जोगी, बिंद, प्रजापति समेत 30 ओबीसी जातियां हैं, जिन्होंने भाजपा की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। बीते लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की मुख्य सीटों पर बीजेपी पहले पायदान पर रही थी और एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। आंकड़ों से समझें तो मेरठ लोकसभा सीट में बीजेपी को 47.86% वोट शेयर मिला था, बीएसपी को 27%, एसपी को 19.01% और कांग्रेस को 3.85% वोट शेयर मिला। एसपी, बीएसपी का कुल वोट शेयर 46.01 रहा, जो कि भाजपा से 0.85% कम था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का 58.98% वोट शेयर पर कब्जा रहा, वहीं बीएसपी 22.77% और सपा 14.52% वोट शेयर पर सिमटी। यहां सपा बसपा का वोट शेयर 37.29 ही रहा। बिजनौर लोकसभा सीट में 2014 में बीजेपी ने 45.92% वोट शेयर से बाजी जीती, सपा का वोट शेयर 26.51% और बसपा का वोट शेयर 21.70% रहा और बीजेपी के वोट शेयर से 2.27% अधिक था। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने जीत तो दर्ज की, लेकिन विपक्षी दल भी बहुत कम अंतर से पीछे रहे। बीजेपी का वोट शेयर 39.59%, कांग्रेस का वोट शेयर 34.14%, बीएसपी का वोट शेयर 19.67% और सपा 4.42% वोट शेयर पर ही सिमट गई। बात गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की करें तो बीजेपी ने 56.50% वोट शेयर के साथ अपना परचम लहराया और कांग्रेस 14.24% वोट शेयर, बसपा 12.89% वोट शेयर और सपा 7.97% वोट शेयर के हार का स्वाद चखा। पहले चरण में होने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन और सीटों का ऐलान कर चुका है, जो बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती दे सकता है। मतलब साफ है, अगर पहले चरण के चुनाव में अंक गणित के हिसाब से नतीजे आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पहले
फेज में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 2014 में सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। पहले फेज में पश्चिमी यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है उनमें से कई सीटें वीआईपी सीटों में गिनी जाती हैं। बीजेपी के सामने 2014 का इतिहास दोहराने की चुनौती है तो विपक्ष 8 सीटें जीतकर सत्ता की हुकूमत के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की जंग, 2014 में खिला था बीजेपी का कमल। पहले चरण में कौन मारेगा बाजी, किसको मिलेगी 2019 की हुकूमत? 2019 की सियासी जंग का शंखनाद हो चुका है। 11 अप्रैल को पहले फेज में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। एक बार फिर बीजेपी के सामने 2014 का नतीजा दोहराने की चुनौती है तो वहीं गठबंधन के सामने बीजेपी और कांग्रेस को हराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पहले फेज की 8 सीटों पर 2014 में बीजेपी का दबदबा रहा था। पश्चिमी यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट नतीजों, राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण के हिसाब से काफी मायने रखती है। 2019 में सहारनपुर सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के राघव लखनपाल ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी के लिए इस सीट को बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस ने पिछली बार के इमरान मसूद को फिर से चुनावी दंगल में उतारा है तो वही गठबंधन की तरफ से बसपा का प्रत्याशी भी मैदान में होगा। बात अगर कैराना सीट की करें तो कैराना लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। 2014 में मोदी लहर के बीच इस सीट पर बीजेपी के हुकुम सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में गठबंधन की तरफ से एसपी की तबस्सुम हसन ने आरएलडी के सिंबल पर चुनाव जीता था। लेकिन 2019 में कैराना की जंग बेहद अहम होने वाली है। पहले फेज के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 2013 के दंगों के बाद ये सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। पश्चिम की जाटलैंड कही जाने वाली इस सीट को 2014 चुनाव में बीजेपी ने जीता था। संजीव बालियान ने यहां भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। 2019 में आरएलडी प्रत्याशी की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी से होगी। बिजनौर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जैसे चेहरे यहां से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने भी यहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि देश भर में चली मोदी लहर ने इस सीट को बीजेपी के खाते में डाला। बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। पश्चिम यूपी की मेरठ सीट पर पिछले 2 दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2009 के बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए थे। इस बार गठबंधन की तरफ से बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा। बात अगर बागपत सीट की करें तो 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह सांसद चुने गए। कभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही बागपत सीट से उनके बेटे को पिछले चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार भी गठबंधन के तहत रालोद इस सीट से चुनाव लड़ रही है। आरएलडी के सामने 2019 में खुद का वजूद बचाने की बड़ी चुनौती है। देश की राजधानी दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास है। इस सीट पर 2 ही बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। गाजियाबाद लोकसभा सीट की गिनती प्रदेश की वीआईपी सीटों में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेंटर के तौर पर भी गाजियाबाद सीट अहम मानी जाती है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह अभी इस सीट से सांसद हैं। पहली बार 2009 में जब यहां से चुनाव हुए तो मौजूदा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीता था। पश्चिमी यूपी की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट सूबे की वीआईपी सीटों में से एक है। ये सीट अभी बीजेपी के खाते में है।
यहां से सांसद महेश शर्मा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। 2015 में हुए दादरी कांड के दरमियान इस क्षेत्र ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बीएसपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। 2019 का रण सभी सियासी दलों के सामने है। सभी दल अपनी बिसात बिछा चुके हैं। इंतजार है तो बस पहले चरण की वोटिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। सारे राजनीतिक दल सियासत के शतरंज पर अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में देश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। विपक्ष जहां सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रहा है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी विपक्ष को घेरने में कसर नहीं छोड़ रही है और इसके साथ ही अपने कामों को लेकर जनता तक पहुंचने की कवायद भी जारी है, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी की इस त्रिकोणीय लड़ाई में सत्ता पाना आसान नहीं होगा। कई चुनौतियां सामने आएंगी और उनसे निपटकर ही दिल्ली की कुर्सी मिलेगी। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है और देश की सत्तारूढ़ पार्टी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे रही है। लेकिन देश की लगभग 70% आबादी यानी 19 राज्यों में सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने आगामी चुनाव में बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती ये कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कैसे उबरा जाए, इन हार से कैसे सबक लेते हुए अपनी रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि 2014 में देश में हुए आम चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी और उसके पास अपनी इस सफलता को दोहराने की चुनौती खड़ी है। इसके अलावा यूपी में, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन तो बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश करेंगे ही। इसके अलावा यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये ऊर्जा है प्रियंका गांधी की एंट्री की और प्रियंका की एंट्री बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोरखपुर और फूलपुर सीटों को वापस पाने की भी है। ये वो सीटें हैं जिसे बीजेपी ने उपचुनाव में गंवा दी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी तो सूबे सत्ता पर काबिज हो गई थी, लेकिन इन सीटों पर उसे मुंह की खानी पड़ गई थी। उपचुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने अपना जोर दिखाया था और इन दोनों सीटों पर बीजेपी को पटखनी दी थी। इसके साथ ही कैराना में भी यही समीकरण बीजेपी पर भारी पड़ गया था। 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। इन राज्यों में जो उपचुनाव के परिणाम आए उसके बाद ऐसा लगने लगा कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, जिसको लेकर विपक्ष में उत्साह की लहर है और वो सरकार को जमकर घेर रहा है। जनता की अदालत में बीजेपी को जवाब मिलने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बताइए हम मोबाइल बना रहे हैं, जनता क्या स्वीकार कर लेगी मोबाइल बना रहे हैं? आप मोबाइल को असेंबल कर रहे हैं। आपने देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया। आपने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, सब चीन से सामान आकर के मोबाइल असेंबल हो रहे हैं। ये जनता को धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोग न दें, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता में देना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बात ये भी है कि बीजेपी कभी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव नहीं जीत सकी है और इन राज्यों में पार्टी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक राहुल गांधी में बहुत बदलाव आ चुका है। वो अब सीधे और तीखे सवाल पीएम मोदी से करते रहे हैं, जिससे बीजेपी के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और उनके सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी को दिन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है। हालांकि अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के संवाद शैली की तुलना की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष अभी काफी पीछे हैं, फिर भी वो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने उन्हीं की अगुवाई में प्रचार किया और जोरदार टक्कर भी दी। अपनी इन्हीं सफलताओं से गदगद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में भी आक्रामक शैली अपनाने को तैयार हैं, जिसे बीजेपी को दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा कई मुद्दे ऐसे भी हैं जहां बीजेपी को इस बार जनता के सामने जवाब देना होगा और वो मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम अभी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाया है, जिसके बलबूते सरकार नौकरियों को लेकर दावे कर रही थी,
लेकिन अब 5 साल बाद इस मुद्दे पर नतीजा सिफर ही रहा है। नोटबंदी का मुद्दा भी बीजेपी के लिए चुनौती है और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमतें भी चुनौती बनकर उभर रही है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है और कई घटनाएं सरकार को मुंह चढ़ाती नजर आती हैं। यूपी में एक मैनेजर की पुलिस कर्मी के द्वारा हत्या ने तो सरकार की खूब किरकिरी कराई थी, तो वहीं हाल ही में एक व्यवसायी के घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान उससे करोड़ों की उगाही ने तो पूरे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिया और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया। उन्होंने मांग कर दी हमसे पहले, तो अच्छा किया, हम भी इसी बात की मांग करते हैं कि तुरंत डीजीपी को हटा देना चाहिए उत्तर प्रदेश से, और इसलिए कि पुलिस की चोरी कर रही। बताओ, अगर पुलिस चोरी करेगी तो जिम्मेदार कौन है? डीजीपी जिम्मेदार है। बीजेपी जहां विपक्ष के सवाल वार का सामना कर रही है, प्रश्नों के बाढ़ झेल रही है, तो वहीं यूपी के सीएम दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं और अपनी तैयारी पूरी होने की बात भी कर रहे हैं। विकास और सुशासन के मुद्दे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, सुरक्षा के मोर्चे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अवश्य मिलेगा। गठबंधन के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन ने यह महामिलावट है भ्रष्टाचार का, अराजकता का, तुष्टीकरण का और समाज और राष्ट्र हित को तिलांजलि देने का, जनता इसको एक सिरे से खारिज करेगी। आम चुनाव 2019 में तार ठोकने के लिए बीजेपी कई कैंपेन चला रही है, आम जन तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगी हुई है। पीएम मोदी के पक्ष में कई कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जिससे पार्टी को बेहद उम्मीदें हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया पर इसे सपोर्ट मिल रहा है, उससे पार्टी को लाभ मिलेगा और दिल्ली दूर नहीं होगी, देश में फिर से हुकूमत करने का मौका मिलेगा। लेकिन किसके दिल में क्या है, ये तो देश की जनता बताएगी कि 23 मई से हिंदुस्तान के तख्त पर किसकी हुकूमत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश हुकूमत 2019 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए बने रखिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।